Welcome back to my YouTube channel Net Exponent. My name is Yashika and I'm here to help you guys to clear out your UGC NET exam. So in this video I'll be sharing some tips and strategies on how to clear NET and how did I clear my NET 4 times in a row. The very first point is passion. दिखने में तो लगता है कि क्या ये छोटा सा word है, but it really means a lot. सबसे important point है ये passion. What do you mean by passion? ठीक है, अगर मैं बात करूँ नेट के एग्ज़ाम की तो सबसे पहली चीज़ ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर एक्चुअली सीरियस फॉर दिस एग्ज़ाम. यू शुड हैव दैट पैशन. यू शुड बी पैशनेट अबाउट दिस. ठीक है, जब तक अंदर से वो आवाज़ नहीं आए ना कि मुझे ये नेट क्लियर करना है, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस आर, कुछ भी हो जाए मुझे ये क्लियर करना ही करना है, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, तब तक ये पेपर क्लियर नहीं होगा, बिलीव मी नहीं होगा. सो passion is very important. I'm not here to demotivate you guys, but it's really very important to see what your choices are, what your interest area is. ठीक है, paper देने से पहले आपको ये decide करना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी और चीज़ में अच्छा हूँ, and you're just pulling and pushing yourself, dragging yourself to clear this exam. So you should make right choices before you are preparing for this exam. Passion बहुत ज़रूरी चीज़ है. The next thing is, once you know that you're passionate, you're actually serious for this exam, then go to the NTA site, download the syllabus, check out the topics and read only the relevant ones. हम क्या करते हैं, भावनाओं में आकर book खोली and we just start reading without even realizing what the syllabus is. हमें syllabus भी नहीं पता होता, क्योंकि हम बस शुरू हो गए हैं पढ़ना. So it's very important that you read the relevant topics and don't waste your time on the irrelevant ones. General knowledge के लिए पढ़ना and NET का exam clear करना two different things. ठीक है, so it's very important that you stick to the syllabus. Syllabus से बाहर गए you're just wasting your time. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप syllabus download करो पहले, see the topics, check out the syllabus and then start preparing. Third thing is hard work and smart work. सो वॉट डू यू मीन बाई दिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नेट क्लियर करने के लिए, वर्क हार्ड बट स्मार्टली. बहुत बार ऐसे होता है एंड द सिलेबस ऑफ नेट इज सो ब्रॉड, सो वास्ट दैट नो वन कैन कवर ऑल द टॉपिक्स, राइट? एंड इवन इफ यू कवर ऑल द टॉपिक्स, नो मैटर हाउ मच हार्ड वर्क यू डिड, बट एग्जाम में जब हम देखते हैं, हम बैठते हैं तो हमें लगता है यार ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, ये टॉपिक कहाँ से था, तो सिलेबस में था ही नहीं. सो नो मैटर हाउ मच यू वर्क हार्ड फॉर दिस, बट देयर कम्स अ टाइम जब हमें लगता है कि यार ये कहाँ से आ गया टॉपिक. सो देयर स्मार्ट वर्क प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. सो व्हाट डू यू मीन बाय स्मार्ट वर्क? इफ आई टॉक अबाउट द एग्जाम, तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट सम टिप्स ऑन हाउ टू डू स्मार्ट वर्क. फर्स्ट थिंग इज एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड मीन्स व्हेन यू डोंट नो व्हाट द राइट आंसर इज. ठीक है, जब हमें पता ही नहीं है कि यार इसका आंसर होगा क्या, सो एलिमिनेशन मेथड वर्क्स एंड इट एक्चुअली वर्क्स. आई हैव इम्प्लीमेंटेड इट. ठीक है, तो देर आर फोर ऑप्शंस होते हैं क्वेश्चन के. सो ट्राई एलिमिनेटिंग इट, एलिमिनेटिंग द रॉन्ग आंसर्स एंड यू विल रीच द राइट आंसर. एलिमिनेशन मेथड यूज करो पेपर को क्लियर करने के लिए. व्हेन यू डोंट नो कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, तो आपको एक राइट आंसर ज़रूर मिलेगा. नेक्स्ट थिंग इज गेस वर्क. With guesswork, I do not mean that just close your eyes and blindly take any option, अक्कड़ अक्कड़ बम्बे वो और कुछ भी टिक कर दो. With guesswork, I mean try to build a linkage, try to relate the question with the answer. वो linkage develop करो, जो पुराना कुछ पढ़ा होगा आपने, question और answer में कुछ एक hint लो, और वो hint होती है, it's just we cannot see it. ठीक है, तो guesswork भी it's very important. वो मैं ये नहीं बोल रही तुक्के मारो और कुछ भी ब्लाइंडली कुछ भी कर दो, बट येस ट्राई लिंकिंग इट, इट विल एक्चुअली हेल्प यू इन क्लियरिंग आउट दिस एग्जाम, राइट? द नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज व्हाइल यू प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम. लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम गुड इन LR. सो आई ट्राई कि मैं जब एग्ज़ाम में बैठी हूँ तो मैं पहले LR वाला टॉपिक पहले क्लियर करूँ. सो वट आई वुड सजेस्ट इज द एरियाज इन विच यू आर स्ट्रॉन्ग एट, जस्ट बिगिन योर एग्जाम विद दैट एरिया एंड देन फॉलो अकॉर्डिंगली. ठीक है, अब लाइक मैनी ऑफ यू वुड बी अवेयर ऑफ द कट ऑफ.
अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ पेपर वन में, इफ़ यू स्कोर 50 में से 30 क्वेश्चंस भी इफ़ यू डू राइट तो आपका नेट निकल जाएगा, ठीक है। अब 50 में से 30 क्वेश्चंस के लिए तो हमें पहले ये फोकस करना कि मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, सो दैट आई कैन सिक्योर दैट पार्ट जो मुझे पता है कि मेरा ठीक होएगा ही होएगा। तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ पार्ट सिक्योर कर लें कि हाँ ये मेरे को पता है मेरे इसमें पक्का मार्क्स नहीं कटेंगे। सो बिगिन योर पेपर विद स्ट्रॉन्ग एरिया एंड देन फॉलो द रेस्ट, राइट। क्योंकि हमें 50 में से 50 नहीं चाहिए, हमें 30 चाहिए, तो 30 के लिए स्ट्रॉन्ग एरिया पे पहले फोकस करो। नेक्स्ट पॉइंट इज मेमोराइज। लाइक द मेनी सब्जेक्ट्स, इफ आई टॉक अबाउट इंटरनेशनल बिजनेस, बैंकिंग, HR, मार्केटिंग, इन विच यू हैव लॉट ऑफ ऑथर्स, लॉट्स ऑफ डेट्स एंड ईयर्स टू मेमोराइज। सो इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, वट आई डिड वॉज आई ट्राइड टू लिंक दैट ईयर्स और डेट्स विद द स्टोरीज। लिंकेज बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। एंड वट विल हैपन, इट विल हेल्प यू रिटेन दैट डेट्स दैट ईयर्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि आपको जैसी वो डेट याद आएगी ना तो आपको वो स्टोरी याद आ जाएगी एंड वो आप डेट कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। तो अगर मुझे कोई ऐसा आप डेट्स को मेमोराइज करो अपने दिमाग में कि अगर मुझसे कोई आधी रात को भी उठकर पूछे ना कि यार RBI कब सेटअप हुआ था, तो मुझे आधी रात को भी उठकर पता होना चाहिए हाँ RBI कब सेटअप हुआ था। इतना ज़्यादा रिटेनिंग पावर। अब वो कैसे आएगी? व्हाट आई डिड वाज टेक अ पीस ऑफ पेपर, राइट डाउन द डेट्स, राइट डाउन द ईयर्स एंड पेस्ट इट ऑन योर स्टडी टेबल एंड रीड इट एवरी मॉर्निंग। इट विल एक्चुअली हेल्प यू। उसको रोज़ पढ़ो, उसको इतना पढ़ो कि वो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए, कि आपकी लाइफ टाइम कभी ना भूले। एंड बिलीव मी, इतना मुश्किल नहीं है, इवन आई डिड इट, ठीक है। क्योंकि बैंकिंग में इतने क्वेश्चन, इतनी डेट्स हैं एंड देयर आर क्वेश्चंस ऑफ बैंकिंग डेट्स वाले, यू कैन नॉट मिस इट आउट एंड इट्स एक्चुअली स्कोरिंग। अगर आपको डेट पता है ना तो आपका इजीली मैच द फॉलोइंग करेक्ट हो जाएगा। सो ट्राई टू मेमोराइज इट, ट्राई टू लिंक इट विद सम स्टोरीज और सम थिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज टीच समवन और डू ग्रुप स्टडी। टीचिंग समवन एक्चुअली हेल्प्स यू अलॉट, बिकॉज जब हम किसी को पढ़ाते हैं इट विल एक्चुअली बिल्ड दैट क्लैरिटी इन योर माइंड। कंसेप्ट का क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सो द मोर यू टीच द मोर यू आर बिकमिंग नॉलेजेबल, सो इट विल एक्चुअली हेल्प यू आउट, ठीक है। ग्रुप स्टडी, दिस इज अगेन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आई डिड अ ग्रुप स्टडी, आई हैड अ ग्रुप ऑफ 5 फ्रेंड्स। हम रोज़ आकर रिविजन करते थे, एक दूसरे से सुनते थे। सो वैन यू लिसन यू एक्चुअली कैन रिटेन इट मोर। तो ग्रुप स्टडी एक्चुअली हेल्प्स, बट अगेन दिस इफ़ यू आर कम्फर्टेबल विद इट, इट वुड डिपेंड ऑन योर पर्सनल थिंग्स कि आप ग्रुप में इफ़ यू आर कम्फर्टेबल और इंडिविजुअली। नेक्स्ट थिंग इज प्रिपेयरिंग नोट्स एंड टाइम टेबल। Preparing of notes is very important, like when the exam, there are very few days left for the exam, then it's very difficult to follow all the books and recall all the concepts at that time. So there you can follow your notes and how to prepare the notes. Agar aap koi topic padh rahe ho, theek hai? So write out its summary in bulletin form, short form mein bilkul likhte chalo and जो भी आपको, जो भी आपका वीक एरिया है या जो भी आपको मतलब पता है कि मुझे नहीं आता, सो राइट दैट, सो दैट एट द एंड जब एग्ज़ाम आ रहे हो यू कैन जस्ट फॉलो इट, ठीक है। सो यस, प्रिपेयरिंग ऑफ नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द नेक्स्ट इज ऑफकोर्स द टाइम टेबल। टाइम टेबल मीन्स यू शुड गिव इक्वल टाइम टू ऑल दी सब्जेक्ट्स, क्योंकि हर पार्ट से 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यू वुड बी अवेयर ऑफ इट, ऑफ द पैटर्न। हर पार्ट से, हर एरिया से यू विल गेट 5 क्वेश्चंस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव इक्वल वेटेज टू ऑल, बट येस अगेन इट वुड डिपेंड अपॉन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स। कि स्ट्रॉन्ग एरिया में मुझे थोड़ा सा कम टाइम चाहिए, वीक एरिया में ज़्यादा टाइम चाहिए। सो इट वुड डिपेंड अपॉन यू कि आप कैसे अपना टाइम टेबल फ्रेम करते हो। सम ऑफ यू माइट बी कम्फर्टेबल इन द अर्ली मॉर्निंग्स एंड सम ऑफ यू माइट नॉट बी कम्फर्टेबल विद द मॉर्निंग। सो इट वुड डिपेंड अपॉन यू कि आप अपना टाइम टेबल कैसे फ्रेम करते हो। बट येस, शेड्यूलिंग ऑफ टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे एक दिन में कितना पूरा करना है, तभी वो हो पाएगा, ठीक है। सो टाइम टेबल, मेक योर टाइम टेबल। नेक्स्ट पॉइंट इज रिविजन। रिविजन का पॉइंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
क्यों? क्योंकि लाइक व्हाट वी ऑल डू इज इंक्लूडिंग मी, मैंने क्या किया था, तो जैसे लाइक इफ आई स्टडीड HRM, एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया एंड आई कंप्लीटेड इट, ठीक है, पूरा सिलेबस हो गया, फिर मैंने क्या करा, उसको बंद कर दिया कि ये तो मैं एग्जाम के टाइम में देखूंगी, तो तब क्या होता है, वी एक्चुअली गो ब्लैंक. हमें लगता है यार हमने इतनी मेहनत करी, इतना सब कुछ किया, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन हमें लगता है हमें कुछ याद नहीं है. सो इट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिविजन. ठीक है, इफ़ आई टॉक अबाउट एनी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जैसे अकाउंट्स की बात करूँ, तो इफ़ यू आर डूइंग वन टॉपिक, ठीक है, तो उस कोशिश करो कि वो टॉपिक के जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिस इट डेली. आई एम नॉट टेलिंग यू टू डिवोट 1 hour or 2 hours, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, वी हैव मैनी सब्जेक्ट्स, बट डू एटलीस्ट 1 question डेली ताकि वो फ्लो बने रहे. ठीक है, रिविजन करना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि द सिलेबस इज़ वेरी वास्ट, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो रिविजन हेल्प्स. ठीक है, ताकि वो फ्लो ब्रेक ना हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट थिंग इज मोटिवेशन. मोटिवेशन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. जब तक आप मोटिवेटेड नहीं रहोगे तब तक ये एग्ज़ाम में, मतलब वो एक एग्ज़ाम फियर होता है, दैट स्ट्रेस, हाउ टू ओवरकम दैट. इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई यूज टू लिसन टू संदीप महेश्वरी's वीडियो, दिस हेल्प मी इन चार्जिंग अप माई माइंड. सो यू गाइज, यू कैन लिसन टू एनी मोटिवेशनल वीडियोज और यू कैन रीड एनी मोटिवेशनल बुक्स फॉर दैट, ताकि आप मोटिवेटेड रहो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ माइंड. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. हाउ आई कुड लिंक इज एग्जाम टाइम में जाते हैं हम, ठीक है, नो मैटर हाउ मच वी वर्कड, बट होता क्या है, नो मैटर हाउ मच हार्डवर्क वी डिड फॉर दिस एग्जाम, कितना वी गेव आर 100%, राइट, बट एग्जाम टाइम में व्हेन वी कम आउट ऑफ द एग्जाम हॉल, हमें रियलाइज होता है यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, ये तो मैंने पढ़ा हुआ था, बट मुझे अभी भी मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया एग्जाम में, जबकि मुझे आता था. दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका माइंड का जो प्रेजेंस है वो 100% उसी टाइम उस एग्जाम हॉल में रहे, एल्स यू विल फील मेरा हार्डवर्क कोई यूज का नहीं था. फॉर दिस प्रेजेंस ऑफ माइंड मेक श्योर दैट यू टेक साउंड स्लीप बिफोर कमिंग टू द एग्जाम. ठीक है, यू शुड बी मोटिवेटेड सो दैट आपको आगे रिग्रेट ना हो कि यार मेरा 1% से रह गया, 1 question रह गया, मेरे साथ भी यही था, 1 question से रह गया, काश ही रहता, क्यों गलत कर दिया मैंने, मुझे आता था तब भी गलत कर दिया, बिकॉज माई प्रेजेंस ऑफ माइंड वॉज नॉट देयर. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि योर प्रेजेंस, योर फुल्ली देयर इन द एग्जाम, अपना माइंड खोल कर. ठीक है, नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट इज बेसिकली फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स who are working or who are in their masters and they do not get time to prepare for this exam, right? I can actually understand it because I am from MIT University. I did my masters from there and I used to go to college at 7 in the morning and I used to come back at 7 in the evening, so I did not get any time to study. What I did was I used to travel by metro. It took me 2 hours for going and 2 hours while coming back, so I utilize that time for clearing out this exam. And believe me, 4 hours is more than enough. इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, एक दिन के 4-5 घंटे दो, that's more than enough. So try utilizing that time, whatever time you have, जो भी free का time है उसको utilize करना start कर दो, be it traveling or any other thing that you would know it better. Next thing is previous year papers. Previous year papers का refer करना is very important so that you can know about its pattern, and there are many times the questions are repeating itself after every interval, so that you could actually come to know how to prepare. उसके लिए previous year paper का refer करना बहुत important है, ताकि हम pattern जान पाए कि prepare करना कैसे है. I met many people and I came to know through them that they're very intelligent, they're actually intelligent, they're working hard, but the problem they are facing is unko pata hi nahi hai ki taiyari karni kaise hai.
सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो आपको प्रीवियस ईयर पेपर जितना ज़्यादा आप सॉल्व करोगे देखोगे उससे ज़्यादा आपको आइडिया लगेगा कि तैयारी करनी कैसे है. राइट. नेक्स्ट इज डू नॉट ट्राई टू कवर ऑल द बुक्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. लाइक बच्चे क्या करते हैं, हम देयर मेनी गाइड्स रेफरेंसेज यू वुड बी हैविंग योर मास्टर्स बुक्स एंड वी ट्राई टू कवर ऑल द बुक्स. ठीक है, ये भी कर लें वो भी कर लें सारी बुक्स कवर कर लें कुछ छूट ना जाए. ठीक है, बट इससे क्या होगा, यू वुड एंड अप डूइंग नथिंग. इट वुड जस्ट इंक्रीज योर कन्फ्यूजन, योर स्ट्रेस लेवल. प्लस इंटरनेट, एज यू ऑल नो इंटरनेट इज ओवरलोडेड विद इंफॉर्मेशन. इवन इफ यू टाइप वन टॉपिक आपको कितना सारा मैटर मिल जाएगा. सो यू कैनॉट कवर ऑल दिस, यू कैनॉट कवर ऑल द टॉपिक्स. सो वट आई वुड सजेस्ट इज फॉलो वन और टू बुक्स. दैट्स इट. इससे ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, सारी बुक्स कवर करने की ज़रूरत नहीं है और ना आप कर सकते हो. ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज कंसेप्चुअल नॉलेज. कंसेप्चुअल नॉलेज अगेन, लाइक इफ यू हैव रेफर टू प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ नेट यू वुड नो इट बेटर. ठीक है, कि जो आपके एग्ज़ाम हैं वो कंसेप्चुअल नॉलेज चेक करता है, आपकी बेसिक्स कितने क्लियर हैं. दिस पेपर चेक्स योर बेसिक्स, योर कंसेप्ट, हाउ मच यू आर क्लियर अबाउट इट. आपका बिल्कुल, अगर आपके बिल्कुल बेसिक्स क्लियर हैं सो यू वुड नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन क्लियरिंग आउट दिस एग्जाम. सो मेक श्योर दैट योर बेसिक्स आर क्लियर. द लास्ट पॉइंट इज 3 to 4 months फॉर प्रिपरेशन. गिव एट लीस्ट 4 months फॉर प्रिपरेशन. UGC NET एग्जाम रिक्वायर्स 4 months और पूरे 4 months मतलब चार, अगर इफ आई टॉक अबाउट लाइक 4 to 5 hours in a day, that's enough. पर वो 4 महीने आपको चाहिए. एंड गिव दोज 4 months, पूरा फोकस हो जाओ उस 4 महीने के लिए. 4 months मोर देन इनफ है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कह रही हूँ, बट 4 months. राइट. सो आई होप यू आर फाइंडिंग दिस टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज टू बी हेल्पफुल एंड यू गाइज कुड रिलेट टू मी. मैंने ये सारे पॉइंट्स इसलिए रखे क्योंकि वाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम I could face these difficulties. So I thought of sharing with you guys so that I could actually help you to clear out your NET exam. So in my next video, I would be talking about the syllabus, what topics are upgraded and what are deleted from the new syllabus, which is conducted by NTA. So I'll be discussing about that. If you really, really like my video, please click on the like button. You can also comment on the box below. And please don't forget to subscribe my channel.